मीटिंग पे चले गए। किसकी सुनू? आमना जी सुन रहा हूँ। बैटिंग बॉलिंग आओ चलें भाई, बैटिंग है। अब्दुल्ला को दे दे। चले भाई ये हटाओ यार, स्टूल हटाओ। चले जल्दी आए बाबर। कहां है भाई गॉसिप गुरु? कहां है? गॉसिप गुरु एम्पायर आए। तहरान को दो पहला ओवर। कहां जा रही हो? वेलकम बैक वंस अगेन। और आज एक मरतबा फिर दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। और आज का मैच मीरपुर खास पाक कॉलोनी में खेला जा रहा है, जहां पर 10 लाख से जायद शायकीन क्रिकेट मौजूद। और आज टिकटॉकर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और टिकटॉकर्स के कप्तान फयाज फील्ड सेट करते हुए, और आज माशाल्लाह फैसल भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं। और देखते कि आज पाकिस्तान स्टार्स और आज का मैच भी चार ओवर्स पर मुश्तमिल है। और देखते हैं कि आज पाकिस्तान स्टार्स के बल्लेबाज चार ओवर्स में कितना स्कोर करते हैं। कल तहरान का ओवर बहुत महंगा साबित हुआ, इसलिए फयाज ने आज स्ट्रेटजी थोड़ी तब्दील की है। और नबील पहला ओवर करेंगे टिकटॉकर्स की जानिब से। फैसल भाई फेस करने के लिए तैयार, और इस बार मारा थोड़ी है। अंपायर का इशारा चार रन्स के लिए। मारा थोड़ी है, पहले ही बॉल पर शॉट नहीं मारी। स्टार्ट्स के लिए शॉट नहीं मारी, चार रन्स। शॉट नहीं मारी, एक बॉल चार रन्स। नबील आए अगली बॉल की, और इस बार फैसल भाई कट करना चाहते थे मगर बीट हुए। शेरोज तुम इधर से खेलना चाह रहे हो? किधर से? टिकटॉकर्स की तरफ से। तुम आ जाओ ना टिकटॉकर्स की तरफ, आ जाओ। और आज गेम शो आलीशान खुश रहो पाकिस्तान। मैं इधर से खेलूंगा, वापस शुरू से। ओके जनाब, तो टिकटॉकर्स की जानिब से आज शहरोज भाई खेलेंगे और मैच का दोबारा आगाज होगा। और पहला ओवर करेंगे शहरोज भाई, फैसल भाई और हट जाओ। पाकिस्तान स्टार्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे। अब मैं पाकिस्तान स्टार्स की तरफ से खेल रहा हूं। शहरोज भाई आए बॉल की, और पहली बॉल पे बॉल सीधा फयाज के हाथों में। एम्पायर नहीं आया था, एम्पायर नहीं आया था। नहीं पायर नहीं आया था भाई, नहीं अपील कर रही है भाई, पायर नहीं है, एम्पायर नहीं है वहां पे। और यहां पर अंपायर मौजूद नहीं था, एम्पायर नहीं है यार। एक और जिंदगी मिली यहां पर, एम्पायर नहीं है। और बहुत खुशकिस्मत दिन साबित हुआ आज फैसल भाई के लिए। हट जाओ, एम्पायर को लाओ। ये इतनी मेहनत की हमने, 3 साल लगाए बॉल किस तरह करानी है, और ये मिले हुए सब। तो एम्पायर ही नहीं है ना मिला है भाई, एम्पायर मिला हुआ है, एम्पायर ही नहीं है। ये खड़ों के देख रहा था, आप आउट हुए फौरन आ गया, मैं नहीं था। हाँ तो एम्पायर नहीं है ना, नहीं है, इधर था। और एक बंदा खड़ा हो ना सामने, तीन तीन लोग खड़े हैं। और अब बंदा कहाँ है? पता लगे इस बॉल पे भी आउट हो गया हूं। अकबर बाबर कौन है? फैसल भाई सामना करेंगे, और इस बार बहुत ही करीबी मामला। तमाम फील्डर्स अंपायर से अपील करते हुए, और इस बार यहां लगा है, बहुत क्लोज रहा बॉल बल्ले से। गुड बॉल, और यहां पर गुड बॉल, यहां लग के गई है। बिलाल ने अपील की मगर अंपायर का इशारा नॉट आउट।
और शरोज भाई ने दूसरी बॉल भी बहुत ही शानदार एक बॉल हुई है, एक बॉल पहली हुई है ये, पहली में एम्पायर नहीं था ना, ओ भाई पहली में एम्पायर नहीं था यार, डेड बॉल हुई है वो। शरोज भाई आए दूसरी बॉल की और इस बार अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल के लिए, मजीद तीन रन का इजाफा, ये दो है, ये दो है, बॉले तीन रन, एक बॉल तीन रन, शरोज भाई आए बॉल की और इस बार ये कहां से आउट है, बॉल सीधा बैटरी बॉक्स के अंदर और फैसल भाई ने शहरोज भाई को बाउंड्री दिखाई, शानदार शॉट फैसल भाई की जानिब से, हाँ बॉल बॉल शहरोज भाई अगली बॉल करने के लिए तैयार और इस बार फैसल भाई स्विप करना चाहते थे मगर इस बार शहरोज भाई की जानिब से शानदार बॉलिंग, फैसल भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हुए स्विप करने के मामले में, शहरोज भाई अगली बॉल करेंगे अपने पॉइंट पर मौजूद और शहरोज भाई फील्ड सेट करते हुए फैसल भाई की नजर है शहरोज भाई के हाथों पर और इस बार अंपायर का इशारा चार रन के लिए, द नेक्स्ट बाउंड्री फॉर पाकिस्तान इज स्ट्राइक्स, मजीद चार रन का इजाफा, चार बॉले 11 रन और इस बार भी फैसल भाई ने भरपूर कदमों का इस्तेमाल किया, अपनी कलाइयां घुमाई और बॉल सीधा तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर, पांच बॉले, पांच बॉले, चार बॉले, चार बॉले, पांच चार बॉले, पहली डेड हुई है, एम्पायर नहीं था उसमें, अच्छा चलो चलो, पांच बॉले 15 रन, शहरोज भाई आखिरी बॉल करेंगे अपने ओवर की और इस बार भी फैसल भाई ने कट किया और तायरान इस बॉल को रोकने में नाकाम और आज शहरोज भाई का ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ है और पहले ओवर में शहरोज भाई ने दिए 19 रन जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर है और आज तक आई थिंक शहरोज पाकिस्तान के मैचेस में 19 रन किसी बॉलर ने नहीं दिए हैं। अगला ओवर करेंगे मुस्कान, मुस्कान अपने पॉइंट पर मौजूद, अब्दुल्ला सामना करेंगे मुस्कान का, मुस्कान अंपायर के पास से गुजरी और इस बार बहुत ही करीबी मामला, फील्डर से अपील करते हुए अंपायर से नहीं लगी बल्ला जमीन पर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल और अंपायर किसी के और यहां पर सारी अपीलें मुस्तरद की गई अंपायर की जानिब से, मुस्कान अगली बॉल करेंगे और इस बार बॉल सीधा कमेंट्री बॉक्स के अंदर और यहां पर शहरोज के शॉट देखना, अब्दुल्ला का अच्छा शॉट और इस चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, मुस्कान ने बॉल की और इस बार बॉल सीधा रोल होता हुआ फयाज के हाथों में और इस बार कोई रन ना बन सका, मुस्कान अंपायर के पास से गुजरी बॉल की और इस बार नबील ने मिसफील्ड की और अंपायर अपना हाथ हवा में लहराते हुए चार रन के लिए और इस चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, तीन बॉले 28 रन, मुस्कान अपने ओवर की चौथी बॉल करेंगे बॉल और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने किया चांस और रन आउट हो यहां पर अंपायर का इशारा चेक करना होगा आउट है और यहां पर बिलाल ने रन आउट किया फैसल भाई को लेकिन अभी तक अंपायर का फैसला नहीं आया है और अंपायर का फैसला नहीं आया अभी तक और अंपायर का हतमी फैसला आउट और यहां पर बहुत बड़ा आउट है मैं यहां स्लिप हो गया टिकटॉकर्स के लिए पहली कामयाबी और मुस्कान ने सही मौके पर फैसल भाई की विकेट ली और आज मुस्कान शानदार बॉलिंग करते हुए मुस्कान अपने पॉइंट पर मौजूद सिकंदर सामना करेंगे मुस्कान का मुस्कान ने बॉल किया और इस बार यहां पर कैच ड्रॉप किया असद ने हमेशा की तरह असद छोड़ू हैं और हर बॉल छोड़ते हैं और इस बार एम्पायर का इशारा चार रन के लिए और उसी के साथ दो ओवर्स का खेल मुकम्मल दो ओवर्स के अख्तिताम पर पाकिस्तान स्टार्स का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर लंबा किधर है जेड नीचे हो कहां घूम रहे हो तुम लोग शादी में आए हो क्या चल रहा है और इस बार फयाज ने बॉल को बॉल पीछे पटखा
और बल्लेबाज ने उसका भरपूर फायदा उठाया और बॉल सीधा तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, एक बॉल 36 रन। और इस बार कॉल कर दी नहीं पहुंच गया और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर इस रन को मुकम्मल किया। 2 बॉलें 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैं रन आउट करवा दिया सिकंदर और अब्दुल्ला अपने अपने पॉइंट पर मौजूद। सिकंदर सामना करेंगे फयाज का, फयाज अपने ओवर की अगली बॉल करेंगे और इस बार मिस कीपिंग किए यहां पर और 3 रन, 3 रन का इजाफा। पीछे गया ना जान, एक सिंगल ली, लेग बाय भी बाय लिया और 2 रन पीछे गए और इस 3 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। फयाज ने अगली बॉल की और इस बार अंपायर का इशारा चेक करना होगा और अंपायर का इशारा आउट और यहां पर माइनस नहीं होंगे पाकिस्तान स्टार्स के, क्योंकि बहुत तेज शॉट खेला था जैन अब्दुल्ला ने और इस माइनस 2 के साथ पाकिस्तान स्टार्स का कम होता हुआ स्कोर 38 रन। 4 बॉले क्या कर रहे हैं यार, 38 रन। और आज एक मरतबा फिर इस मैदान में जैन बलोच और फयाज आमने सामने। जैन बलोच ने अपने जूते उतार दिए, मोजे भी उतार दिए और मोजे भी उतार दिए। अब जैन बलोच और कुछ ना उतारे और इस बार जैन बलोच ने फ्लिप किया और बॉल सही के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर। और आज इस मैदान के तमाम शायकी ने क्रिकेट शोर करते हुए तो नेक्स्ट बाउंड्री फॉर पाकिस्तान यार। और यहां पर फयाज को धो डाला लास्ट ओवर जैन बलोच ने और उसी के साथ 3 ओवर का खेल मुकम्मल। 3 ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टार्स का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और आज मुझे टिकटॉकर्स की तरफ से बहुत रोने की आवाजें आ रही हैं और आज ऐसा लग रहा है कि मुझे टिकटॉकर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज है। आई थिंक टिकटॉकर्स इज क्राइंग टुडे। और इस बार बॉल शेरोज भाई के पास से गुजरता हुआ तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर। और इस बार दोबारा ओ भाई मुस्कान बीच में डाल रही है और यहां पर चेक करना होगा और अभी तक अंपायर का हतमी फैसला नहीं आया है। इसने रोका है, रोका है यार, नहीं रोका यार, रोका है यार, मैं कह रहा हूं। अंपायर का इशारा डेड बॉल, एक बॉल हुई है। बिलाल अगली बॉल करने के लिए तैयार, सिकंदर सामना करेंगे और इस बार बॉल सीधा शरोज भाई के हाथों में और यहां पर प्लस टू तुमने मारा है ऊपर लाइट पे लगा है प्लस टू और आज का मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। बिलाल अगली बॉल करने के लिए तैयार, उसामा सामना करेंगे तमाम फील्डर्स की नजरें नबील के हाथों पे और इस बार क्या बात है, उसामा का शानदार शॉट और अंपायर का इशारा 4 रन के लिए और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। इट्स अ वेरी बिग न्यूज फॉर पाकिस्तान स्टार्स और उसी के साथ 50 रन भी मुकम्मल हुए पाकिस्तान स्टार्स के। भागो! 3 बॉले 54 रन, 4 बॉले 54 रन। बिलाल आए और यहां पर भी उसामा खेलना चाहते थे, बहुत ही गर्मी मामला और यहां पर कॉल कर दी और यहां पर पांच बॉले 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और बिलाल अपने ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए तैयार, उसामा सामना करेंगे और इस बार बहुत ही गर्मी मामला और उसी के साथ 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 4 ओवर्स के अख्ताम पर पाकिस्तान स्टार्स ने बनाए 54 रन और टिकटॉकर्स को यह मैच जीतने के लिए 4 ओवर्स में 55 रन दरकार, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर है टिकटॉकर्स के लिए। अब देखते हैं कि टिकटॉकर्स 4 ओवर्स में 55 रन बना पाते हैं या नहीं। उसामा नीचे आओ, कहां जा रहे हो? अब्दुल्ला तुम हो ना इस तरफ, और आज
अब्दुल्ला को वहां नहीं थे। पाकिस्तान स्टार्स के बल्लेबाजों की तरफ से शानदार बैटिंग हुई और टिकटॉकर्स को यह मैच जीतने के लिए चार ओवर्स में 55 रन दरकार। और आज का मैच सिकंदर मीरपुर खास पाक कॉलोनी में खेला जा रहा है, जहां पर 7.5 लाख से ज्वाइन शाइकी ने क्रिकेट मौजूद। और आज हमारे मैदान में ऑडियंस का शाइकी ने क्रिकेट का भरपूर रश। और शाइकी ने क्रिकेट से पता करते हैं कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और टिकटॉकर्स के दोनों बल्लेबाज अपने पॉइंट पर मौजूद। शहरोज भाई सामना करेंगे जैन बलोच का। वो शाइकी ने कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, टिकटॉकर्स या पाकिस्तान स्टार्स? जरा शोर मचाकर बताइए, पाकिस्तान स्टार्स या टिकटॉकर्स? ओके जी, तो आज पाकिस्तान स्टार्स के सपोर्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैन जैन जैन। और आज फैसल भाई खुद फील्डिंग सेट करते हुए, फैसल भाई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं पाकिस्तान स्टार्स के साथ मिलकर। और आज देखना होगा कि आज का मैच किसकी तरफ आता है और आज किस सर पर सजता है जीत का ताज। और टिकटॉकर्स की जानिब से ओपनर्स बल्लेबाज फयाज और शहरोज भाई। जैन बलोच पहला ओवर करेंगे पाकिस्तान स्टार की जानिब से। शहरोज भाई की नजरें जैन बलोच के हाथों पर। जैन बलोच बॉल को घुमाते हुए अंपायर के पास से दूसरे बॉल की ओर। इस बार बहुत ही करीबी मामला ये पकड़ा और यहां पर अंपायर का इशारा चेक करेंगे। और अंपायर का इशारा दो रन के लिए, एक बॉल दो रन। और पूरे पाकिस्तान की नजरें आज के मैच पर। शहरोज भाई अगली बॉल सामने करेंगे। इट्स द नेक्स्ट फास्ट बाउंड्री फॉर टिकटॉकर्स। और यहां पर शानदार शॉट शहरोज भाई की जानिब से। दो बॉले छह रन। मैंने कहा उसको भी। और बाउंड्री का आगाज कर दिया है जैन बलोच अपने ओवर की तीसरी बॉल करेंगे। अरे अनिल का हट जाओ। और शहरोज भाई की नजरें फील्डर्स पर। शहरोज भाई फील्डर्स काउंट करते हुए। आज मुझे शहरोज भाई अंडर प्रेशर लग रहे हैं। शहरोज भाई सामना करेंगे जैन बलोच का। जैन बलोच पॉइंट पर मौजूद बॉल की। और इस बार भी चार रन का इजाफा टिकटॉकर्स के लिए। और इस चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। बॉल की और इस बार कैच ड्रॉप किया बहुत ही करीबी मामला। और उसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अबे हाथों के साथ यार स्ट्रट को मुकम्मल किया। और यहां पर नोमान ने कैच ड्रॉप किया शहरोज भाई का। फयाज और जैन बलोच एक बार दबा फिर आमने सामने। जैन बलोच आए बॉल की और इस बार बॉल शरबेल के हाथ के पास से गुजरता हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर। मसीह चार रन का इजाफा, 5 बॉले 15 रन। मैंने बोला इसको। जैन बलोच अपने ओवर की आखिरी बॉल करने के लिए तैयार। जैन बलोच अंपायर के पास से गुजरे बॉल की और मसीह चार रन का इजाफा। और उसी के साथ तमाम फील्डर्स एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हुए। और पहले ओवर के खत्म पर टिकटॉकर्स ने बनाए 19 रन। हमारे भी 19 थे, तुम्हारे भी। पाकिस्तान स्टार्स के बल्लेबाजों ने भी बनाए थे 19 रन। और आज ग्राफ के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो दोनों का स्कोर बराबर है। टिकटॉकर्स ने भी बनाए 19 रन और पाकिस्तान स्टार्स के बल्लेबाजों ने भी बनाए थे 19 रन। फैसल भाई करेंगे दूसरा ओवर। फैसल भाई अपने पॉइंट पर मौजूद। शहरोज भाई सामना करेंगे। और इस बार बॉल फ्लोर में पड़ने के बाद एक स्विंग हुआ और शहरोज भाई इस बॉल को खेलने में कंफ्यूज रहे। अगली बॉल भरपूर कदमों का इस्तेमाल और अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। और शहरोज भाई को वार्निंग दी गई कि वो अब तेज शॉट नहीं खेल सकते। फैसल भाई आए बॉल की और इस बार इनसाइड यार। और कीपर इस बॉल को रोकने में नाकाम। 3 रन का इजाफा और इस 3 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। 3 बॉले 26 रन। फैसल भाई आए बॉल की और इस बार फयाज ने फ्लिप किया और कीपर के पास से बॉल गुजरा और पहले हो गया जो ना पहले हो गया जाओ।
सिर्फ दो रन का इजाफा और इस दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। फैसल भाई आए बॉल की और इस बार भी फयाज का मिड ऑफ पर शानदार शॉट, 5 बॉले 32 रन। फैसल भाई अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे, फयाज की नजर है फैसल भाई के हाथों पर, फुल टॉस बॉल और सिकंदर ने मिसफील्ड की और उसी के साथ दो ओवर से खेल मुकम्मल। दो ओवर के अख्ताम पर 54 रन का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और आज का मैच बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और तीसरे ओवर का आगाज होने वाला है। तीसरा ओवर करेंगे अनिल कगिल। कैच था यार, यहां से छोड़ दिया। और टिकटॉकर्स को यह मैच जीतने के लिए दो ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 19 रन दरकार और टिकटॉकर्स जीत से करीब। अनिल कगिल अंपायर के पास से गुजरी बॉल की और इस बार बिल्कुल बच्चों की तरह कट किया फयाज ने और सिकंदर की आज फील्डिंग बहुत ही ज्यादा खराब। यहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई, फयाज सामना करेंगे अनिल कगिल का। अनिल कगिल ने बॉल की और इस बार यार इतना पीछे, अनिल कगिल ने भरपूर फायदा उठाया इस बॉल का, अपने कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल सीधा तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर। वो बॉल दे रही है यार। 2 बॉले 44 रन और जैन बलोच की आज नजरें, जैन बलोच का चेहरा उतरा हुआ है और टिकटॉकर्स के तमाम प्लेयर्स पर और इट्स कॉट बिहाइंड और यहां पर अंपायर अपना हाथ हवा में लहराता हुआ और यहां पर बहुत ही बड़ी पाकिस्तान स्टार्स के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि टिकटॉक कौन है फयाज शेरोज और फयाज के आज होने का जश्न। और यहां पर इस मौके पर बहुत ही बड़ी कामयाबी पाकिस्तान स्टार्स के लिए। इसका कैच पकड़ लेते ना, और मुझे लगता है कि किसी भी वक्त पासा पलट सकता है आज के मैच का। बिलाल सामना करेंगे अनिल कगिल का, अनिल कगिल अपने ओवर की, अनिल का ऐसे ही, अनिल का शॉट बॉल करने के लिए तैयार जान के साथ। बिलाल सामना करेंगे अनिल कगिल का, अनिल कगिल ने बॉल की और इस बॉल का इशारा व्हाइट बॉल के लिए, व्हाइट बॉल के साथ एक मिनट बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 45। 3 बॉल है 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनिल कगिल अंपायर के पास से गुजरी बॉल की और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, आउट हो गए और अंपायर का इशारा आउट और अंपायर अपना हाथ हवा में बुलंद नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और यहां पर अंपायर का हाथ हवा में बुलंद और शहरोज भाई रन आउट हुए। यहां पर असल में मसला ये हुआ है, ये शहरोज यहां खड़ा हुआ है, एक बंदा उसके आगे खड़ा हुआ है। ओवर, 4 बॉले 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर और अंपायर अपना डिसीजन वापस लेते हुए। ओ भाई राइट हैंड और शहरोज भाई इस बार सेव रहे। अनिल कगिल ने बॉल की और अनिल कगिल थोड़ा सा कंफ्यूज हुई यहां पर और टिकटॉकर से अप्रिशिएट करते हुए दोनों बल्लेबाजों को। नहीं राइट हैंड के पास दूसरी बॉल की जारी से अच्छी फील्डिंग क्या कर रहे हैं यार और उसी के साथ ये रन मुकम्मल। शहरोज भाई तू यहां खड़ा है यार और बिलाल फौरन दौड़े और तेजी के साथ इस रन को मुकम्मल किया। 5 बॉले 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच हार गया था। अनिल कगिल की आखिरी बॉल फेस करने के लिए तैयार, अनिल कगिल अपने पॉइंट पर मौजूद। बिलाल की नजरें अनिल कगिल के हाथों पे और इस बार इट्स स्ट्रेट ड्राइव, इट्स लाइक अ बुलेट शॉट और यहां पर मजीद 4 रन का इजाफा और उसी के साथ 3 ओवर से खेल मुकम्मल। 3 ओवर के खत्म पर टिकटॉकर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर और टिकटॉकर्स को यह मैच जीतने के लिए 6 बॉलों पर सिर्फ और सिर्फ 4 रन दरकार। तकरीबन ये मैच टिकटॉकर्स के हिस्से में आ चुका है और टिकटॉकर्स अपनी जीत के बहुत ही ज्यादा नजदीक और शहरोज भाई की आज शानदार बैटिंग रही टिकटॉकर्स की जानिब से। तमाम
खिलाड़ी टिकटॉकर्स के शहरोज भाई को एप्रिशिएट करते हुए उसामा ने बॉल की ओर इस बार इट्स अ फैंटास्टिक शॉट टिकटॉकर्स वन द मैच इतनी मिसफील्ड होगी तो यही होगा यार टिकटॉकर्स तेरा ते मेरा मेरा ते तेरा असला तसों रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे तू शम्मे कलम को यदे बेजाई अता कर बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर रमजान में बोल